हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर प्लान। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले कि मर्चेंट नेवी के कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां प्लेसमेंट सही नहीं मिलता है और वहां कॉलेज में एडमिशन लेने का मतलब होता है वेस्ट ऑफ मनी करना। ठीक है, तो यार मैंने आप लोग को बहुत सारा कॉलेज में वीडियो बना के दे चुका हूँ, लेकिन आज का जो बेसिकली वीडियो है कि वो 2020 का कौन सा जो सबसे बकवास कॉलेज है जहाँ प्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इंडिया के अंदर में कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ से आपको कोर्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मर्चेंट नेवी भी डिपेंड करता है जॉब्स। ठीक है, और यहाँ पे जॉब होता है कॉलेजेस के पास। और तो यार यहाँ पे अगर आप अच्छे कॉलेज का चॉइसेस नहीं कर पाते हो स्टार्टिंग में, तो आपका कैरियर कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाता है और आपको जॉब नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से आप एजेंट के चक्कर में आते हो और आपका मर्चेंट नेवी में कैरियर स्टार्टिंग होने से पहले आपका कैरियर ख़त्म हो चुका होता है। तो यार मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ आप एडमिशन मत लो, क्योंकि वो सब कॉलेज जो है बहुत अपना स्पॉन्सर करती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्कीम देती है बंदे लोग को एडमिशन लेने के लिए, और फ़ी थोड़ी कम में बंदे लोग को बताती है कि यहाँ पर आप कोर्स कर सकते हो और डिजी शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट सब है। ठीक है, देखो जैसा कि रूल आया था गवर्नमेंट का कि सारे के सारे बंदे लोग को आप जॉब प्रोवाइड कराओगे, जो जिस जितने बंदे लोग को आप एडमिशन लेते हो कॉलेज में उतने बंदे लोग को आप जॉब प्रोवाइड कराओगे, लेकिन ये रूल है बट इसको इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ है। जो भी मर्चेंट नेवी के डिजी शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है या फिर कॉलेजेस है वहाँ अभी तक प्लेसमेंट की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं दी गई है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ ऐसे कॉलेज बताने वाला हूँ जहाँ से आप लोग को एडमिशन नहीं लेना चाहिए और वहाँ आप लोग को अपना कोर्स नहीं करना चाहिए। अगर आप वहाँ से कोर्स करते हो तो प्लेसमेंट की चांसेस ना के बराबर है, मे बी आपको प्लेसमेंट मिले, ठीक है, बट प्लेसमेंट की चांसेस नहीं है। पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कॉलेज सबका नाम। ठीक है, तो यार CMC कॉलेज इसमें तो हम लोग में लिस्ट में आता है CMC कॉलेज। ठीक है, कोयम्बटूर मेरीन कॉलेजेस है, यहाँ भी आप लोग कोर्स मत करना क्योंकि ये कॉलेज प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाती। उसके बाद है BP मरीन। फ्रेंड्स, BP मरीन में भी बहुत सारे बंदे, पहले BP मरीन का सिचुएशन अच्छा था बट अभी BP मरीन का सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ जॉब नहीं मिल पाती BP मरीन में, तो मैं किसी बंदे को सजेस्ट नहीं करूँगा BP मरीन कॉलेज से कोर्स करने का। ठीक है, उसके बाद आता है IMA। ठीक है, इंटरनेशनल मैरिटाइम एकेडमी, यहाँ भी आप लोग प्लेसमेंट नहीं मिलता, अगर आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हो तब जाके प्लेसमेंट मिलता है, तो मैं किसी बंदे को रिकमेंड नहीं करूँगा IMA से कोर्स करने का। ठीक है, उसके बाद आता है MANET। फ्रेंड्स, MANET का ऐसा सिचुएशन है कि बंदे लोगों का कहना था और फीडबैक जो मुझको स्टूडेंट लोग से आया, उन लोगों का कहना था कि भाई MANET में उसी बंदे लोग का प्लेसमेंट हो पाता जो लोग वहाँ मुंबई स्टेट के हैं मैक्सिमम बंदे लोग का, और उसके बाद वहाँ के जो किसी अदर स्टेट्स के बंदे हैं वहाँ उसका एडमिशन प्लेसमेंट नहीं हो पाता है बेसिकली। तो यार यहाँ एडमिशन मत लो क्योंकि ये रिस्की है, यहाँ पे प्लेसमेंट हो भी सकता है नहीं भी सकता, तो MANET मैं किसी बंदे को सजेस्ट नहीं करूँगा यार एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि जितने बंदे लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो 50% बंदे लोगों को भी यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं मिल पाता, तो MANET में भी आप लोग एडमिशन मत लेना। ठीक है, उसके बाद से आपको HIMT हो गया। फ्रेंड्स, HIMT जो है वो भी कॉलेज तो सही है, कॉलेज की एजुकेशन सही है बट यहाँ भी प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो HIMT में भी मैं किसी बंदे को रिकमेंड नहीं करूँगा कोर्स करने के लिए। नेक्स्ट पे आता है WILS। फ्रेंड्स, WILS में भी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस हो गया, GME हो गया, BTEC हो गया, BSc हो गया, ये सभी कोर्सेस सब होते हैं बट यहाँ भी प्लेसमेंट नहीं है, तो मैं किसी बंदे को रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, तो यार मैंने आप लोगों को सारा का सारा कुछ बता दिया कि यहाँ जो कॉलेज है, चाहे वो BP मरीन हो गया, चाहे वो MANET हो गया, चाहे वो MET में आप एडमिशन ले सकते हो, यहाँ पे एडमिशन के चांसेस है, MET पहले से बहुत ही अच्छा कर रहा है तो आप MET में जा सकते हो। तो यार मैंने आप लोगों को कॉलेजेस सब बता दिया कि यहाँ आप लोगों को एडमिशन नहीं लेना है। तो यार ये सब कॉलेजेस का मेरे पास फीडबैक आया, जो स्टूडेंट लोगों ने पढ़ाया उस कॉलेजेस से उस लोगों का फीडबैक आया और उन लोगों का कहना था कि यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताया कि यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है तो आप लोग किसी भी अदर कॉलेज से कोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट तो कमेंट करना। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।